बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फैम भट्टी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैम भट्टी वाइल एक्सपायर्ड। प्यारे बस, महंगाई के इस दौर के अंदर हर शख्स यही चाह रहा होता है कि यार कम से कम प्राइस रेंज के अंदर अच्छे से अच्छा मोबाइल मिल जाए। मुझे भी अक्सर जो है कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग रब्ता करते हैं कि यार 25,000 की रेंज के अंदर कोई अच्छा मोबाइल बताएं नॉर्मल यूजेज के लिए। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट मोबाइल फ़ोन जो कि 25,000 के अंदर आने वाले हैं उनके बारे में डिटेल देने वाला हूं कि 25,000 अगर आपके पास हैं तो आप कौन सा अच्छे से अच्छा मोबाइल परचेज कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट 8 GB रैम हो, 1 to 8 GB मेमोरी के साथ हो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 25,000 के अंदर आपको बेस्ट मोबाइल बताने वाला हूं। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देख लेना है, और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यार होता क्या है कि यार हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यार आपका कोई पैसे नहीं लगते, बल्कि आपका फायदा ये हो जाता है कि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है स्क्रीन पर, तो आपकी हेल्प हो जाती है अगर आप कोई मोबाइल वगैरह परचेज करना चाह रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। सबसे पहले बात करता हूँ 25,000 की कैटेगरी के अंदर पहला मोबाइल हमारा कौन सा है। मोबाइल है टेक्नो का, टेक्नो स्पार्क 20। ये मोबाइल आपको 8 GB की रैम देता है। 8 GB तक इस मोबाइल की रैम को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि 8+8 16 GB रैम के साथ साथ 1 to 8 GB की मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है। 8128 के अंदर अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये मोबाइल तकरीबन 30,000 के प्राइस रेंज में चल रहा था, लेकिन अब आपको जो है प्राइस कट लगने के बाद 25,000 से 26,000 की प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि 25,000 से 76,000 के अंदर आसानी आप इसको खरीद सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स को अगर मैं हाइलाइट्स करूं तो बेहतरीन डिस्प्ले आपको IPS डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंचेस का देखने को मिल जाता है। 5000 की अच्छी बैटरी के साथ साथ 18W का फास्ट चार्जर है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो 50MP का इसका रियर कैमरा यानी कि बैक कैमरा जो कि आपको फुल HD जो है वीडियो वगैरह बनाने में मदद देता है। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको 32MP का सेल्फी कैमरा यानी कि सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 13 वर्जन के साथ ये आता है। मजीद इस मोबाइल के अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लो तो 40fps के ऊपर आपको ये गेमिंग सपोर्ट भी दे देता है। ओवरऑल एक बेहतरीन डिसेंट लुक के साथ आपको ये मोबाइल देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 26,000 में आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे सेकंड मोबाइल जो के है आइटल का मोबाइल है, आइटल P55। ये मोबाइल आपको 8 GB की रैम देता है। इस मोबाइल के अंदर आपको जो ऑप्शन देते हैं वो है 16 GB एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इस मोबाइल के अंदर रैम का जो एक्सटेंड करने का लेवल है वो बहुत ज्यादा रखा है इन्होंने। 16 GB + 8 यानी कि 24 GB इस मोबाइल की रैम हो जाती है। वही 128 GB की मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि 24 GB रैम और 128 GB मेमोरी के साथ अगर इस मोबाइल के मैं प्राइस की बात करूँ तो 22,000 से 23,000 तक की रेंज के अंदर आपको ये मोबाइल देखने को मिल जाता है। और इस मोबाइल के अंदर आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.6 इंचेस का 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि डिस्प्ले भी अच्छा है। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो 50MP का इसका बैक कैमरा, सेल्फी कैमरा 8MP का इस मोबाइल के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 40fps पर गेमिंग सपोर्ट भी दे देता है। इस मोबाइल के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है UniSoC T606 का एक नॉर्मल प्रोसेसर, यानी कि अच्छा प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल एक अच्छी लुक के साथ आइटल का P55 आप परचेस कर सकते हैं 25,000 की कैटेगरी के अंदर। बात करते हैं हमारे थर्ड मोबाइल जो के है रियलमी का मोबाइल है नार्जो 50A प्राइम। नो डाउट ये मोबाइल आपको बहुत जबरदस्त गेमिंग सपोर्ट दे देता है। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको 4 GB की रैम देखने को मिलती है और 128 GB की मेमोरी आपको देखने को मिलती है। गेमिंग सपोर्ट बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। जायरो हार्डवेयर है इस मोबाइल के अंदर। मेमोरी जो है आपको UFS 2.2 की देखने को मिलती है, जो कि मोबाइल की स्पीड के अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये तकरीबन 30,000 के लगभग चल रहा था, लेकिन ये मोबाइल अब आपको सिर्फ और सिर्फ 24,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। नो डाउट एक लुक वाइज बहुत बेहतरीन मोबाइल। कैमरा डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लूं तो 50MP का इस मोबाइल के अंदर आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है, 16MP का सेल्फी शूटर है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो UniSoC T612 का जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। मजीद 5000mAh की बैटरी के साथ साथ 18W का फास्ट चार्जर भी इस मोबाइल के अंदर है, यानी कि ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर एक बेहतरीन मोबाइल अगर मैं कहूं तो आपको ये आप परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोबाइल की जो कि है सैमसंग का मोबाइल है सैमसंग A05। ये मोबाइल आपको 4 GB की रैम देता है, 1 to 8 GB की मेमोरी देता है। अक्सर मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं, सैमसंग के लवर बहुत ज्यादा हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि यार 25,000 की रेंज के अंदर हमें कौन सा मोबाइल परचेस करना चाहिए। तो आप ये मोबाइल आंखें बंद करके परचेस कर सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि आपको 4 GB की रैम, 1 to 8 GB की मेमोरी देता है। एंड्रॉइड 13 वर्जन के
साथ आ जाता है। गेमिंग सपोर्ट की बात करूं तो 40 FPS पर गेमिंग सपोर्ट भी दे देता है। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का इसका रियल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 25 वाट का एक ओरिजिनल फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। ये चीज उस मोबाइल की बहुत अच्छी है क्योंकि इस मोबाइल के अंदर अक्सर इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 18 वाट का चार्जर मिलने का देखने को मिल जाता है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको 6.9 इंचेस की IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज फुल HD रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलती है, यानी कि डिस्प्ले के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है। अब मैं बात करूं इसके परफेक्ट प्राइस की, तो ये मोबाइल आपको 23 से 24 हजार की प्राइस रेंज में बासानी आपके डोर स्टेप पर कहीं से भी मिल सकता है। अगर आप फ्री कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो सैमसंग का A05 आप जो है 25,000 की कैटेगरी के अंदर बासानी आंखें बंद करके परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की, टेक्नो स्पार्क 20C। ये मोबाइल आपको 4GB की रैम देता है, 4GB तक इस मोबाइल की रैम को आप बढ़ा भी सकते हैं और 128GB की इस मोबाइल की मेमोरी है। तो 4GB रैम प्लस 128GB मेमोरी के साथ इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो मोबाइल तकरीबन 27-28 हजार रुपए का बिक रहा था, इस मोबाइल के ऊपर आपको 3000 रुपए का प्राइस कट लगा हुआ है। तो ये मोबाइल अब आपको सिर्फ 24,000 यानी कि 24,000 की प्राइस रेंज में आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। इस मोबाइल के थोड़े से फीचर्स को अगर मैं हाईलाइट करूं तो 13 वर्जन के साथ आता है। MediaTek Helio G36 का इस मोबाइल के अंदर प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का इस मोबाइल के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत बेहतरीन मोबाइल है, आप इस मोबाइल को भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मोबाइल की, मोबाइल है Realme C51। ये मोबाइल आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4GB रैम 64GB मेमोरी के साथ, 4GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ। इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं 4GB रैम और 128GB रोम के साथ, ये मोबाइल आपको सिर्फ और सिर्फ 26,000 की प्राइस रेंज में आज की डेट में मिल जाता है। अगर आप 4GB और 64GB वाला वेरिएंट देखना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल आपको 24,000 की प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है, यानी कि 6GB रैम वाला मोबाइल आपके लिए सही रहेगा। 26,000 की प्राइस रेंज में आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा मोबाइल है, 1 ईयर वारंटी के साथ मोबाइल है, आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे वीडियो के लास्ट मोबाइल की, जो के है मोबाइल है Redmi 13, जो कि आपको 4GB की रैम और 128GB की मेमोरी देता है। मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आज की डेट के अंदर आपको ये मोबाइल 25,000 यानी कि 25,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। एक बेहतरीन डिस्प्ले के साथ, अच्छी लुक के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है मोबाइल। 50 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है, IPS अच्छा डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बैटरी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, चलने के लिहाज से भी जो है आपको ये मोबाइल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ओवरऑल आप 25,000 की रेंज में आप इस मोबाइल को आसानी खरीद सकते हैं। तो प्यार में ये थी आज की वीडियो, इसके अंदर मैंने डिस्कस किया 25,000 कैटेगरी के अंदर कौन कौन से मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त मौजूद है जो अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे मोबाइल के बारे में आपको बताया जाए, ताकि अगर आप वो लें, अगर आप कल को वो बेचें तो आपके पैसे जाया ना हो। तो वीडियो यकीन आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद के साथ। अपने भाई को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।